हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी रेसिपी में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ स्पेशल सी रेसिपी। हो सकता है अगर आपका रेस्टोरेंट जाने का मन हो तो मूड चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2 कप मक्के का आटा ले लिया है। इसमें मैंने 2 स्पून ऑयल को ऐड कर लिया है इस तरीके से। फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए गाइस, मैंने इसमें मेथी के पत्ते इस तरीके से ऐड कर लिए हैं। साथ में ही हमारे किचन के जो भी मसाले हैं, सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और किचन किंग पाउडर मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया है। मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं किया है। देखिए इस तरीके से वाटर ऐड करने के बाद हमने इसकी डोइंग कर लेनी है। जैसे नॉर्मली हम आटे की डोइंग करते हैं, इसी तरीके से आपको इसकी भी डोइंग करनी है। आप चाहें तो साथ साथ में इसके और काम भी आटे की डोइंग करने के बाद ही कर पाएंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको आटे की डोइंग करनी है। तो गाइस देखिए, आपको इसके साथ में जो भी सर्व करना है आपको उस चीज की तैयारी पहले ही कर लेनी है। मैंने इसके साथ में मेथी की ही कड़ी रेडी की है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज अभी तो मैंने मेथी की कड़ी की रेसिपी इसमें ऐड ऑन नहीं की है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में मेथी की कड़ी की रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज देखिए, इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से एकदम मिक्स कर लिया है। आपको ये नहीं समझना है कि अरे यार आज मक्के का पराठा है तो थोड़ा अलग सा होगा। मक्के का मेथी का पराठा है ये, तो थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज्यादा अलग सा होता है और टेस्ट तो बहुत ही यम्मी होता है इसका। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। देखिए गाइस, जब आटे की डोइंग हो चुकी है, मैंने फाइनल टच देने के लिए ऑयल ऐड कर लिया है, क्योंकि ऑयल से ये पूरा का पूरा जो आटा है एकदम सेपरेट हो जाता है, बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी आप देखेंगे, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और गाइस खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और नाश्ता भी थोड़ा अलग सा हो जाता है एंड हेल्दी भी हो जाता है साथ साथ में ही, इसलिए आप भी जरूर ट्राई कीजिए। देखिए मैंने इसको कवर अप कर लिया है 5 मिनट के बाद। देखिए गाइस, मैंने एक पन्नी ले ली है। इसमें मैंने ऑयल ऐड करने के बाद इस तरीके से जो आटे की डो है मक्के के, तो मैंने उससे सेव दे दिया है। इसके बाद ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें पराठे को ऐड कर लिया है। इस तरीके से हम पराठे को सेक लेंगे, जैसे हम नॉर्मली सेकते हैं उसी तरीके से। गाइज बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर कोई स्पेशल से गेस्ट आए हो तो उनको तो जरूर एक बार पराठे जरूर खिलाइए ये वाले, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा नाश्ता भी अलग सा हो जाता है एंड हेल्दी सा भी हो जाता है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था, आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो गाइज उसके लिए आपको एक बार ट्राई करना है। उससे पहले आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा। एंड गाइस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए। देखिए मैंने गर्मा गर्म पराठे, अचार और कढ़ी के साथ में इस तरीके से सर्व कर लिए हैं। आप भी चाहे तो कढ़ी भी साथ में रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी आ रहा था। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो में बने रहिए। तो गाइज मैं फिर से आ गई हूँ, अब रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड गाइज आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको भी जरूर लगेगा कि हाँ सच में यूजफुल है। जब आप टेस्ट करेंगे तो ही आपको ज्यादा पता लगेगा। तो गाइज उसके लिए आपको एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर आपको पसंद आए तो गाइज अपने दोस्तों को या फिर फैमिली में किसी को भी आप शेयर कीजिए कि आपने भी इतना टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाया। तो गाइस तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और रेसिपीज को ट्राई करिए। एंड गाइस प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।